हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजवक्स। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे शाओमी 12 प्रो। तो आप देख सकते हो ये मैंने अमेज़न से मंगाया है, तो चलो इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो ये रहा हमारा अमेज़न का पैकेज जिसमें शाओमी 12 प्रो है। तो मैं इसे जल्द से जल्द कट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ है मैंने मोबाइल, मुझे एक दिन डिले मिला है क्योंकि इसका जो स्टॉक था वो लिमिटेड ही था, तो इसलिए एक दिन डिले हुआ है। तो चलो बॉक्स से मोबाइल निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें बिल, ये रहा बिल। तो ये जो मोबाइल है आप देख सकते हो इसका प्राइस 6299 था। इसमें मुझे 6000 ICICI क्रेडिट कार्ड का और 4000 मिला है, 10000 बोनस। तो ये मुझे 53 में मिला है। तो ये आप देख सकते हो सब डिटेल्स दिया है यहाँ पे। कॉर्चियो ब्लू 8 256 GB है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। यहाँ पे भी वही डिटेल्स है बार कोड के साथ। तो अभी हम इसे मोबाइल को कट कर लेते हैं, इसके ऊपर के रैपर को, और मोबाइल निकाल के देखते हैं। तो ये भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, इसका सील कट कर लेता हूँ। ये पहला मोबाइल है जो ट्रिपल कैमरा पे आया है 50 मेगापिक्सल। तीनों भी जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल है और ये लेटेस्ट वर्जन में 8 Gen 1 प्रोसेसर, साथ में इसमें 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी दिया है। तो चलो देखते हैं बॉक्स ओपन करके। ये मैंने बॉक्स ओपन कर लिया और अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिम इजेक्टर पिन, साथ में आपको ये चीज़ मिलेगी इसमें। तो ये चेक कर लेते हैं क्या क्या मिला है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो पहले हम मोबाइल कवर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये मोबाइल जो कवर है ट्रांसपेरेंट है और वही क्वालिटी जो शाओमी प्रोवाइड करता है वैसा ही है। ये कोई चेंजेस नहीं किया है इसमें। साथ में आप ये देख सकते हो इसमें आपको कन्वर्टर मिलता है, तो आप इसमें ईयरफोन लगा सकते हो या कोई चीज़ आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा काम किया है शाओमी ने। इसके डिटेल वाउचर देख लेते हैं क्या लिखा है, डिटेल्स सब दिया है इसमें। बैक साइड देख लेते हैं। तो चलो इसे रख देते हैं, मोबाइल को निकालते हैं बाहर। तो आप देख सकते हो अभी इसमें आपको मिलता है 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग और ये काफ़ी हैवी है, देख सकते हो। काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे नॉर्मल जो हमारा होता है उस चार्जर से। और साथ में आपको यहाँ पे मिला है चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है टू USB। तो इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो ये सब चीज़ हम रखते हैं साइड में और मोबाइल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है। मोबाइल देखते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना शाइनी लग रहा है ब्लू कलर। इसके ऊपर का कवर निकाल लेते हैं। तो ये मैं कवर निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हो ये मोबाइल स्लाइटली कर्व लग रहा है मुझे, ज़्यादा भी कर्व नहीं है, तो ये शाओमी ने अच्छा किया है। देख सकते हो ये जो नीचे दिया है चार्जिंग पिन और उसके ही साइड में सिम कार्ड ट्रे और एक स्पीकर दिया है।
राइट साइड में वॉल्यूम अप डाउन और ऑन ऑफ का बटन दिया है। ऊपर की ओर आपको एक और स्पीकर दिया है, साथ में नॉइस कैंसलेशन और NFC दिया है। सेंसर बैक साइड में कैमरा 3 और एक फ्लैश लाइट और यहाँ पे दिया है। तीनों भी कैमरा 50 मेगापिक्सल है। मेन कैमरा सोनी IMX707 का है, तो इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सेटअप कर लेता हूँ। मीनवाइल मैं आपको इसके डिटेल्स बता देता हूँ। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन सोनी IMX707 का, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो यूनिट। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, साथ में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में आता है ये। MIUI 13 बेस्ड एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। 4600 बैटरी बैकअप, 120 वोट का फास्ट चार्जिंग, 50 वोट का इसका जो वायरलेस चार्जिंग है और 10 वोट का रिवर्स चार्जिंग। तो चलो आप फोन में जाकर इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो एंड्रॉयड वर्जन देख लेते हैं, तो ये एंड्रॉयड वर्जन 12 है, तो आपको ये घुमाकर 12 तक लेकर जाना है। तो मैं इसे 12 तक लेकर जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 दिखाई दिया आपको। तो अभी मैं इसे बैक कर लेता हूँ और इसका हम कैमरा देख लेते हैं। कैमरा का एक फोटो क्लिक करके देखते हैं कि कैसा क्वालिटी है। तो आप देख सकते हो, मैं अभी इसे क्लिक कर लेता हूँ एक फोटो। बहुत ही फास्ट लगा है मुझे इसका जो रिस्पॉन्स था क्लिक करने के बाद। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर दिख रहा है सब। तो मैं इसका एक फुल वीडियो डालूँगा कैमरा रिव्यू और बाकी चीज़ के, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो अभी मैं इसका जो बैक कवर है वो डाल कर देखता हूँ कैसे फिट बैठता है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये बैक कवर मैंने इसमें डाल दिया है और ये काफ़ी अच्छे से फिट बैठा है। तो ये रहा आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ऐसे ही नए नए अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।